Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Ajmika with exercise 12.1. Now in today's lecture, we will solve remaining questions of exercise 12.1. So let's start. Question 6, find the ratio of the following. Question 6 में जो है हमें जो questions given है उनके ratio find करने हैं। तो यहाँ पे question A में जो है हमें given है 81 to 108। तो इसका ratio find करने के लिए मैं क्या करूँगा, 81 and 108 को as a fraction write करूँगा। अब simply मैं इसे 3 से divide कर सकता हूँ and 9 से divide कर सकता हूँ। okay, तो मैं इसे 9 से divide कर लेता हूँ। 9 जा 81, यहाँ पर 9 जा 9, 1 रिमेनिंग रहेगा, वो 8 के पास जाएगा, 18 बचेगा। नाउ 9 जा 18, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 upon 12। अभी से हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 जा 9, 3 4 जा 12। ओके, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 3 upon 4। अब इसे जो है हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, तो इसे जो है मैं रेशियो फॉर्म में लिख लेता हूँ। ओके, 3 को मैं पहले लिखूंगा, देन रेशियो साइन पुट करूंगा और उसके बाद 4 को राइट करूंगा। ओके, और ये होगा इसका फाइनल आंसर। नाउ इसी तरह 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर क्वेश्चन सी में गिवन है। ओके, अब यहाँ पर इसे जब मैं लिखूंगा तो कुछ इस तरह से लिखूंगा, 33 डिवाइड बाय 121। अब किलोमीटर जो है रिमूव हो जाएगा बिकॉज रेशियो कोई यूनिट होता नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि जो दो क्वांटिटी गिवन है वे सेम यूनिट में होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोनों किलोमीटर में है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज अगर इनमें से एक भी क्वांटिटी अगर अदर यूनिट में होती, मीन्स किलोमीटर से मीटर में होती, तो हम दोनों को किलोमीटर में या मीटर में चेंज करते, देन आफ्टर उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है तो इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। ये जो है 11 से चला जाएगा ना, 11 3 जा 33, यहाँ पर 11 जा 121, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, 3 upon 11। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसे सिंपली मैं 3:11 करके लिख देता हूँ, तो ये जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में भी जो है हमें बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। बट क्वेश्चन 7 के अंदर जो क्वेश्चन है वे थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं क्वेश्चन 6 के कंपेरिजन में। यहाँ पर क्या था, जो यूनिट थे जो गिवन क्वांटिटी होती उनकी सेम थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ए में ऑब्जर्व करेंगे तो एक क्वांटिटी मिनट में है और अदर जो है आवर में है, तो हम इन दोनों को सेम करेंगे। ओके, आपको ध्यान रखना है जो भी लास्ट क्वांटिटी है मीन बिग जो यूनिट है उसको हमेशा आप स्मॉल में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसे काउंट करेंगे, तो इसे काउंट करने के लिए आप लिखेंगे 1 आवर, वन आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। ओके, देन 1.15 आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1.5 आवर्स। ओके, यहाँ पर 1:15 एंड इसका पॉइंट रिमूव कर लेते हैं, कितना आएगा 10, और इसे आप मिनट में चेंज करें तो क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो हमें 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा आपके पास, 15 × 6। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90 मिनट। ओके, अब यहाँ पर ये जो क्वांटिटी मिनट में आ गई और ये ऑलरेडी मिनट में मीन सेम होगी, अब हम इनका कंपेरिजन करेंगे। ओके, मीन्स रेशियो कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 30 मिनट टू 90 मिनट, मीन्स ये जो 90 इसकी जगह लिखा हमने। ओके, नाउ अब इसका रेशियो कनेक्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 90। अभी हमें 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 3 upon 9, ना 3 under 3, 3 3 9, तो क्या बचा हमारे पास, 1 upon 3। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या रहेगा, 1:3। ना इसी तरह से क्वेश्चन डी में जो है हमें दो क्वांटिटीज गिवन है, जहां पर ये जो क्वांटिटी है इसे
लार्ज है और ये इससे स्मॉल है, तो हम लार्ज वाले को चेंज कर देंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, लीटर को मिलीलीटर में आपको चेंज करना है, तो इसका जो कन्वर्जन है बेसिक वो आपको ध्यान रखना है। सिंपली 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब सिंपली लीटर को मिलीलीटर में क्या करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 लीटर को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर 2 लीटर को हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स 1000 मिलीलीटर से मैं इसको क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा 2000 मिलीलीटर। ना आप जो क्वांटिटी है वे कैसी होगी, सेम लिट में हो गई, तो इससे जो है मैं लिख लूंगा यहाँ पर 9। इनका रेशियो फाइंड करने के लिए मैं इसे लिख लूंगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो सिंपली कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 5/20। नाउ यहाँ पे 5 5 5 4 20, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 1/4। ओके अब यहाँ पर इसको ऐसे रेशियो फॉर्म में हम लिख लेंगे और ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। नाउ इस तरह से कोई 2 डिफरेंट क्वांटिटीज डिफरेंट यूनिट्स में क्यों हो, तो उन्हें आपको सेम करना है, देन आपको उसे सोल्व करना है और उसका आंसर निकालना है। नाउ क्वेश्चन 8, इन ए ईयर सीमा आंस ₹150,000 एंड सेल्स ₹50,000, फाइंड द रेशियो ऑफ क्वेश्चन ए मनी दैट सीमा आंस टू द मनी सी सेल्स, क्वेश्चन बी मनी दैट सी सेल्स टू द मनी सी स्पेंड्स। क्वेश्चन 8 में जो है सीमा जो है 1,50,000 रुपए कमाती है और सेविंग जो है 50,000 रुपए का करती है, तो क्वेश्चन ए में जो है जो रेशियो जो है वो कुछ इस तरह से है, उसकी अर्निंग और वो कितना रुपए कमाती है उसके रेशियो में फाइंड करना है। क्वेश्चन बी में जो है वो कितना बचाती है ओके और कितना खर्च करती है उसके बारे में हमें पता करना है। टोटल अर्निंग्स जो कि वो कितना कमाती है 1,50,000, नाउ वो सेविंग कितना करती है तो वो है ₹50,000, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा। अब स्पेंड कितना करती है, तो उसके स्पेंड के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो टोटल अर्निंग है उसमें से उसका सेविंग जो है क्या कर देंगे कम कर देंगे ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्पेंड इक्वल टू 150 - 50,000 ओके, तो जो कितना आएगा 1,00,000 आएगा। क्वेश्चन ए में लिखा है मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्स, अब यहाँ पे उसका अर्निंग जो है वो कितना है 1,50,000 ओके, उससे मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा किससे सेविंग से, सेविंग कितना है 50,000, सिंपली 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 15 डिवाइड बाय 5 5 5 5 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/1, इसका रेशियो जो क्या होगा 3:1 ओके। नाउ फॉर क्वेश्चन बी मनी दैट सी सेव्स टू मनी सी स्पेंड्स, मीन्स उसकी सेविंग और स्पेंड का रेशियो में फाइंड करना है। अब उसका सेविंग जो है वो कितना है 50,000 रुपीज एंड उसका जो स्पेंड है वो हमने कितना निकाला 1,00,000, यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारे पास 5/10, इसे हम सोल्व करेंगे 5 5 5 5 10, तो क्या बचा 1/2 ओके, इसे एज ए रेशियो में क्या कर लूंगा 1:2, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा।